जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं वो हिंदू नहीं है, वो रावण और कालनेमी की नजायज औलादे हैं। जो आदमी अपने परिवार को लेके नहीं चल रहा, उसके कथनी और करनी में फर्क है। अपनी कानून की वर्दी की आड़ में एक अवैध वसूली के अड्डे खोल रखे हैं। उन्होंने एक अड्डे ऐसे भ्रष्टाचारी के अवैध वसूली के अड्डे बना रखे हैं। ड्राइवर को उसको वहाँ भी फिर भी प्रताड़ित किया जाता है, उससे अवैध वसूली ली जाती है। नेता देखते हैं, मंत्री देखते हैं, सड़कों पर चलते हैं, सब आंख बीच निकल जाते हैं। या तो प्रधानमंत्री महामूर्ख है या प्रधानमंत्री देश की जनता को महामूर्ख बना रहा है। शायद प्रधानमंत्री को खुद नहीं पता है कि वो सुबह में क्या बोले थे, दोपहर में क्या बोल रहे, शाम में क्या बोलेंगे, रात को क्या बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी के बातों पर पूरा देश भरोसा नहीं करता है। सबका साथ, तो ड्राइवर बंधुओं का साथ भी तो ले लीजिए प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी की गूंगी और बहरी सरकार जो सिर्फ चुनाव प्रचार में मशगूल रहती है, जो जाति और धर्म की बात कहती है, जो लोग इंसान से नफरत करते हैं वो किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहां आप देख सकते हैं कि लोग आए हुए हैं, जो ड्राइवर हैं, जो ड्राइविंग करते हैं वो लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं, अपना आंदोलन जो चला रहे हैं जंतर मंतर पे, यहां पे इकट्ठा हुए हैं। तो इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या मांगे लेकर आए हैं सरकार से। तो शुरुआत करते हैं सर, क्यों आना हुआ यहाँ पे, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैडम पर धन्यवाद आपका, कौन चैनल आपका है? जनहित आवाज को धन्यवाद है और सिम मीडिया को आवाज है। बात आपने कही है कि आप हमारी बात उठाने के लिए ही बड़ी अच्छी सुंदर बात है। देखिए आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं ना, ये सभी ड्राइवर तो हैं, ये सारे ऑल ड्राइवर क्लास भारत के अधिकारी हैं, हर राज्य से आए हैं। वो त्रिपुरा से लेकर के कन्याकुमारी तक, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक सारे आए हुए हैं। तो ये अधिकारी हैं, इसमें हमारा कोई भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। हमारे सब ड्राइवर अपनी आवाज़ खुद उठाने खुद लड़ रहे हैं। संगठन ड्राइवरों का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष भी ड्राइवर हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी ड्राइवर हैं और जिला अध्यक्ष ड्राइवर हैं और ब्लॉक स्तर का जो है वो भी ड्राइवर है। हमने नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दिया, लॉलीपॉप थमाने की नीति है। आज हमारी आवाज़ उठाएंगे, उसको भुना लेंगे, वो वोट लेके चले जाएंगे, वो कामारा करेंगे नहीं। इसलिए ड्राइवर बेवकूफ़ बनने वाला नहीं, वो किसी झांसे में आने वाला नहीं है। ड्राइवर समझ जा चुका है, पूरे देश में जो करप्शन होता है वो सारा ड्राइवर जानता है, क्योंकि वो अकेले झेलता है। वो उसके साथ ना वहाँ का लोकल प्रशासन होता है, ना लोकल जनता साथ देती है, ना लोकल मीडिया साथ देती है। मैं बोर्ड में से बता रहा हूँ, उसकी कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं जाती कि इसके साथ अत्याचार हो रहा है। मानवता का हनन खुलेआम हो रहा है, मानवाधिकार आयोगों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका अधिकार छीना जा रहा है। संविधान तो है देश में पर उसका पालन नहीं हो रहा, संविधान के रक्षा की भचक बन चुके हैं। कानून नाम की चीज़ नहीं है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका सबसे कैसे, बड़ा कैसे दुरुपयोग हो रहा है कानून का बता दो मैडम। अभी गाड़ी के बॉर्डरों में गाड़ी के पेपर रुके होने के बाद भी ना, एक वहाँ चलती है, हमें एंट्री दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, गाड़ी छोड़ेंगे। मैंने देखा ड्राइवर का जबरदस्ती उसका फाइल रख लिया जाता है, उसका लाइसेंस रख लिया जाता है, वो वीडियो बनाता है, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, मोबाइल तोड़ दिया जाता है, ड्राइवर से अभद्र व्यवहार, गाली गलौज की जाती है, मारपीट तक की जाती है, यहाँ उस पर उल्टा केस तो लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ, दूसरों की होती है और केस आप लोगों पे लगाया जाता है। यहाँ तक है कि एक बाइक वाला साइकिल वाला जाता है ना, वो अपने गलती सड़ जाता है ना, तो उतर के काला पता ड्राइवर का, तूने मुझे मार दिया, मोजा निकाल। भाई सरकार ने ऐसी नीति क्यों बनाई है? जब ड्राइवर जब यही सब करना, ड्राइवर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो अपने अधिकारों की बात ड्राइवर नहीं कर सकता। अगर वो अधिकार की बात करता है तो उन्हें लफड़ाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है और ये सारा होता है जनता के सामने, पब्लिक के सामने। नेता देखते हैं, मंत्री देखते हैं, सड़कों पर चलते हैं, सब आँख बीच निकल जाते हैं। देश का हीरो ड्राइवर है, देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान ड्राइवरों का है। अगर ये ड्राइवर नहीं होते ना, ये जो नई सांसद बनी है ना, ये पुरानी ये नहीं बनती। जो गिट्टी बालू छड़ लगी ना, ये ड्राइवर लेके आया है। जिंदों को भी जोर जो ड्राइवर की है, मुर्दों को ड्राइवर जिंदे की है। हम कफन तक इंतजाम करते हैं, ड्राइवर हमारी क्या क्या प्रतिष्ठा देश में। कोरोना काल में सबको सम्मानित किया गया और उन्हीं से सरकार गुहार लगा रही है, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों बचाओ देश को। हमारे एम्बुलेंस ड्राइवरों ने उस समय जो अपनों ने अपनों को छोड़ दिया, उस समय हमारे ड्राइवरों ने अपनी जान दे करके लोगों का जो अंतिम संस्कार कराए हैं। क्या देश भूल गया, सरकार भूल गई? क्यों नहीं समझ मिला भाई, क्यों? तो आज ड्राइवर अपनी गुहार में जाए कहाँ? न्याय प्रणाली हमारे फेवर में नहीं है। जो कानून बने हैं वो ड्राइवरों को दबाने के लिए बने हैं,
नए नए कानून लागू हो रहे हैं ना, उसमें मालिक को छूट दे दी गई है। हादसा होगा, मालिक की गाड़ी बड़ी हो जाएगी, मालिक निकल जाएगा, पर ड्राइवर को जेल होगी। तो आप क्या चाहते हैं, आपके हित में किस तरीके के कानून बनाए जाए? हम चाहते हैं जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग बना, बच्चों के लिए चाइल्ड आयोग बना, है ना, नए नए कानून बने हैं। नीति आयोग क्या कर रहा, हमारे लिए कम से कम नीति उसके पास नहीं है। नीति सरकार के स्वरूप बनती है, नीति यहाँ देख के नहीं बनती। देश में क्या कमी नहीं कमी, नीति आयोग उसका अनुसंधान करता है और उस पर नीतियाँ बनाता है। जब देश की नीति ड्राइवरों के प्रति उल्टी क्यों है? नीति आयोग भी कहने की सरकार के हाथ का कठपुतली है, जो उनको बोला था वही किया जाता है। मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है, कोई उसके पास औचित्य नहीं है, जो हमारे लिए कुछ करे वो। दो मिनट की बात अपनी रखना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है और जिस तरीके से देखा जाता है 10 साल हो गए इसी तरीके से हमें एक नोवाइस का बाजार लगाते हुए, लेकिन कहीं से कहीं तक भी ड्राइवर का कोई मान सम्मान, कोई उसका हक अधिकार या सम्मान की बात नहीं करते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है, आदमी आजकल क्या है, राजनीतिक पार्टियों में हमें बांट देता है। अभी जैसे बोला जा रहा था क्या यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो देखिए मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूँ, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ मैं, इंसान बनूंगा। तो सबसे पहले मैं इंसान बनूंगा, उसके बाद में मैं देखूंगा। और मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर हित की बात करता हूँ, ड्राइवर हूँ, ड्राइवर हित की बात करता हूँ, इसलिए भारत के कोने कोने पर जाकर अपने ड्राइवरों के लिए हक अधिकार उनके सम्मान की बात करता हूँ। तो मैं देखिए जैसे हम देखते हैं जगह जगह जाते हैं, अदर हर चेक पोस्ट पर जाते हैं, हम दिल्ली से रवाना जैसे बेंगलोर के लिए होते हैं, बेंगलोर से चेन्नई के लिए, चेन्नई से वापसी में दिल्ली के लिए, आने जाने में हमें कम से कम 15 से 20 बॉर्डर रास्ते में हमें पड़ते हैं। और हमने एक चीज़ देखी मैडम जी कि जिस तरीके से मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं और जब मैं चेक पोस्टों पर जाता हूं, फेस टू फेस आईटीओ साहब से मिलता हूं, डीडीओ साहब से मिलता हूं और अपने ये मांग पत्र उनको सौंपने का भी काम करता हूं, क्योंकि इसमें हमारी 29 सूत्री मांगे हैं जो कि 10 साल से हमने अपनी सरकारों को उनको देने का और उनको सौंपने का कार्य किया है। जब हम चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं तो हमारे ड्राइवर का भी सम्मान होता है, हमारा भी सम्मान होता है, ड्राइवर के साथ शोषण से भी बचाया जाता है, ड्राइवर को उसका हक भी वहाँ बॉर्डर पे दिलाया जाता है। तो ये इन्होंने एक बात मुझे याद आई कि देखिए जिस तरीके से गाड़ी की पॉलिसी बनाई जाती है, उसके डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन ड्राइवर को उसको वहाँ भी फिर भी प्रताड़ित किया जाता है, उससे अवैध वसूली ली जाती है। कहीं तो अगर मान लीजिए जैसे कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं, चलने के लिए इंश्योरेंस दे दिया जाता है, परमिट ऑल इंडिया दे दिया जाता है, लाइसेंस पहले से ही होता है, उसके बाद भी उससे अवैध वसूली ली जाती है, देखा जाता है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा जो कि अब मामा मुख्यमंत्री ने एक ऐसी गंद फैला रखी है, वहाँ मचा रखी है, ड्राइवरों के साथ रात दिन 24 घंटे उनके साथ शोषण करने का कार्य वहाँ करते हैं, जो कि सरकार की वर्दी पहन के, जो कि कानून की जनता की हिफाजत के लिए बैठे हैं, उन्होंने एक अपनी कानून की वर्दी की आड़ में एक अवैध वसूली के अड्डे खोल रखे हैं, उन्होंने एक अड्डे ऐसे भ्रष्टाचारी के अवैध वसूली के अड्डे बना रखे हैं। तो मैं उसी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब आप होशियार हो जाओ, क्योंकि अब भारत के अपने 22 करोड़ चालक के बीच में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो है उतर चुका है आपके भ्रष्टाचारी के अड्डे बंद कराने के लिए। तो मैं अपने सभी भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को मजबूती की तरफ लेकर चलें। और बहुत बहुत आते हैं अभी आपके पास। सर आप क्या कहेंगे, सरकार कह रही है कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ एक साथ विकास करवा रहे हैं और लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ड्राइवरों को यहाँ पे आंदोलन करने की जंतर मंत्र पे आ गए हैं। कौन कह रहे हैं? सरकार कह रही है, भाजपा सरकार कह रही है सबको साथ लेके चल रहे हैं। कौन है? मोदी। तो जब अपनी बीवी को नहीं लेके साथ चल रहा है तो ड्राइवर को कहाँ साथ लेके चलेगा? सबको साथ लेके चलेगा, बताओ। जो आदमी अपने परिवार को लेके नहीं चल रहा, उसके कथनी और करनी में फर्क है। नहीं, चिराग तले अंधेरा है। सोच लीजिए, महाभारत आपने देखी होगी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे, ड्राइवर बने थे। अगर भगवान श्री कृष्ण ड्राइवर ना होते तो क्या पांडव महाभारत की लड़ाई कौरवों से जीत पाते? नहीं जीत पाते। तो ड्राइवर मतलब आप इसको छोटा सा शब्द ड्राइवर कह के आप ये मत कीजिए, ड्राइवरों को देश के जो
चालक बंधु हैं उनको तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जन्म लेने के पहले से और मृत्यु के बाद तक चालकों का काम है। मतलब आप ऐसा ये कह सकते हैं कि जीवन के हर पल, यहाँ की जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी, LIC की वो विज्ञापन सुनी थी आपने, तो वही हाल ड्राइवरों का है। कोई गर्भवती महिला है, बच्चों का जन्म होना है, अस्पताल जाना है, कौन है? ड्राइवर। डॉक्टर की सुविधा चाहिए, डॉक्टर का गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर। बच्चा जन्म ले लिया, उसको दूध चाहिए, दूध की आपूर्ति कौन करेगा? ड्राइवर। सब्जी की आपूर्ति कौन करेगा? ड्राइवर। खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति कौन करेगा? सरहदों पर हमारे माँ भारती के लालों को कौन पहुँचाएगा? ड्राइवर। तो ड्राइवर एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के बगैर सांस के लेना मुश्किल है। तो सरकार को चाहिए कि ड्राइवरों के लिए भी एक आयोग का गठन हो और जो अवैध वसूली हमारे देश के चालक बंधुओं से होता है उस पर अंकुश लगे। प्रधानमंत्री जी बहुत कहते हैं वन इंडिया वन इलेक्शन, वन इंडिया मतलब वन नेशन, वन इंडिया वन टैक्स, लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं चार जातियां मानता हूँ, गरीब और महिलाएं और युवा और किसान, और वही लोग यहाँ पे आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। फिर प्रधानमंत्री जी चार जातियों की बात कहते हैं, या तो प्रधानमंत्री महामूर्ख है या प्रधानमंत्री देश की जनता को महामूर्ख बना रहा है। देश समझ लिया, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? समझिए बात। हम आएंगे ड्राइवरों के इशुओं पर, लेकिन आपने प्रधानमंत्री की बात की बात की, शायद प्रधानमंत्री को खुद नहीं पता है कि वो सुबह में क्या बोले थे, दोपहर में क्या बोल रहे, शाम में क्या बोलेंगे, रात को क्या बोलेंगे। तो आपने देखा हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, तो प्रधानमंत्री को क्या बनाना था? 50 गांव आदर्श, जो बनारस लोकसभा क्षेत्र में आप ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा, उनके सांसदों को छोड़ दीजिए। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, यानी 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी बननी थी देश में। तो देश में कितना सिटी है? बना? नहीं बना। 400 का सिलेंडर छत्तीसगढ़ में बांट रहे, राजस्थान में बांट रहे, तब पंजाब के लोगों ने क्या गुनाह किया? जहां प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लोगों ने क्या गुनाह किया? उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या गुनाह किया, जहां राम और कृष्ण की का जन्मभूमि है? आप बताओ, MP के लोगों ने क्या गुनाह किया 400 का सिलेंडर वहां? तो प्रधानमंत्री जी के बातों पर पूरा देश भरोसा नहीं करता है। प्रधानमंत्री की बातों पर अगर मैं बात कहने लगूंगा तो शायद 6-7 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएंगी, इसलिए आप वो बात को छोड़िए। अभी सबका साथ, तो ड्राइवर बंधुओं का साथ भी तो ले लीजिए प्रधानमंत्री जी। उनके बिना चलेंगे कैसे देश चलेगा? वो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, विश्व गुरु बन गए हैं वो। सुन तो लीजिए, जिसका सारथी ही, जिसका सारथी ही अगर, जिसका सारथी ही अगर नहीं होगा, समझो बात, तो जब सारथी ठीक नहीं होगा तो हम दिशा कैसे, दिशाहीन हो जाएगा देश। प्रधानमंत्री को चाहिए, देश के ड्राइवरों में सभी जातियां सभी धर्म के लोग हैं, असली सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ड्राइवरों के कल्याण से हो। तो हमने देखा है सड़कों पर ड्राइवरों की गलती हो या ना हो, लोग ड्राइवरों को ही फजीहत करते, तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए कि जो लोग ड्राइवरों के साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, उन पर जुर्माना, और जो पीड़ित ड्राइवर हैं उनको मुआवजा। दूसरा बात कि अगर ड्राइवर का आयोग बनेगा तो ड्राइवरों के बारे में चर्चा होगी, ड्राइवरों के कल्याण की बातें होंगी, और ड्राइवर अगर ना हो तो देश ही नहीं होगा। सीधा सा बात, बगैर ड्राइवर का आप कोई काम कर सकते हैं? अगर ड्राइवर नहीं होता तो आप एंकरिंग करने आते ही, फिर कैसे एंकरिंग करोगे? तो हर काम के लिए चालक बंधु का जरूरी है। अब आइए इनकी जो मांगे हैं, उन मांगों में प्रमुख मांगे हैं कि हर राज्य के राजधानी में
चालक स्तंभ की स्थापना हो ताकि लोग चालकों को सम्मान की दृष्टि से देखें, इनका हौसला बुलंद हो, और जैसे कहीं एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग ड्राइवरों के साथ अभद्रता करने लगते हैं। वहाँ अगर ये अपंग होते हैं तो ड्राइवरों के लिए एक ऐसा कानून हो, चाहे वो निजी संस्थाओं में काम कर रहे हों या सरकारी संस्थाओं में, जो पीड़ित लोग हैं उनको, उनके बच्चों को मुआवजा मिले ताकि उनका घर, उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। सीधा सवाल समझिए, जैसी सुविधाएं आप माँ भारती के लाल जैसे सरहदों की सुरक्षा करते हैं, तो कोई इंटरनल और कोई एक्सटर्नल, ये इंटरनल सुरक्षा करते हैं। अगर देश में ड्राइवर ना हो तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, कोई कामकाज नहीं हो पाएगा, आप एंकरिंग नहीं कर पाएंगी, प्रधानमंत्री घूम नहीं पाएंगे, तो निश्चित तौर पर चालकों के लिए एक विशेष आयोग का गठन हो, और इनके लिए भी जैसे आप मान लीजिए आपने कोई ड्राइवर रखा, आपने 2 महीने बाद निकाल दिया, तो चालकों को लाइसेंस देने के साथ ही इनके मानदेय भत्ता की व्यवस्था हो, और जब ये नौकरी से हटा दिए जाते हैं, 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनके आजीविका के लिए कुछ न कुछ सरकार को देने का प्रावधान तो करना। आप लोग यहाँ पे आज आए हैं तो लग रहा है इससे सरकार पर दबाव बनेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सरकार पर दबाव बनाने नहीं आए हैं। दबाव बनाना होता देश के सारे ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर देगा, देश चलेगा? आप बताइए, दबाव बनाना उसको कहते हैं कि ये अपना काम छोड़ दें। आप समझिए बात को, इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा है ना, इन्होंने तो अपनी मांग, और मांग मानना कोई दबाव बनाना नहीं होता है। हर आदमी का, लोकतांत्रिक देश है भारत, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट है, इनको अपने परिवार के बारे में सोचने का, अपने भविष्य के बारे में सोचने का, अपनी आने वाले नस्लों के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। इनकी 29 मांगे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संवेदनहीन सरकार, नरेंद्र मोदी की गूंगी और बहरी सरकार, जो सिर्फ चुनाव प्रचार में मशगूल रहती है, जो जाति और धर्म की बात कहती है, यहीं पर आप देख लीजिए सभी धर्म के लोग हैं। अब ये बताइए कि ये अगर ये किसी बलट वाली गाड़ी लेके जा रहे होते तो कहते हैं कि हम हिंदू को नहीं देंगे बलट, ये कह देंगे, लेकिन भाजपा के लोग क्या कहते हैं कि मदरसा पर बुलडोजर चला देंगे, कभी कहते हैं वो कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो ये लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि सभी धर्म के लोग रहते हैं। कल ये कहें खालिस्तान, ये कहें हम पाकिस्तान दूसरा बना देंगे, हम कहें कि नहीं जी हम अलग हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये भारत राष्ट्र है, और सनातन परंपरा में 84 लाख योनियों के भरण पोषण करने वाला ही हिंदू है। जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं वो हिंदू नहीं है, वो रावण और कालनेमी की नजायज औलादे हैं, जिन्हें अपने देश से प्यार नहीं है। आपने रामायण देखी होगी, रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो क्या माँ सीता का अपहरण होता? माँ सीता लक्ष्मण रेखा लांघती? कालनेमी अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता, तो क्या हनुमान जी को रोकने से कोशिश कर पाता? जिस सनातन परंपरा में पैर पूजा जाता है, सोचिए, मछलियों को पूजा जाता है, कुत्तों को पूजा जाता है, यहाँ तक कि उस सांप को भी पूजते हैं, तो उस तो वो तो सांप से भी गए गुजरे हैं भाजपा के लोग जो नफरत करते हैं। जिस धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात की जाती है, पूजा पाठ करने की पद्धति है, जहाँ सांप को भी दूध पिलाया जाता है, वहाँ हम इंसान से नफरत नहीं कर सकते। जो लोग इंसान से नफरत करते हैं वो किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। जिस दिन आप कुरान को पढ़ेंगे, जिस दिन आप बाइबिल को पढ़ेंगे, जिस दिन गीता और रामायण को पढ़ेंगे, जिस दिन नास्तिक शास्त्र को पढ़ेंगे, जिस दिन सरल गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेंगे, जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनसे हमने बातचीत करी, जिस तरीके से ये ड्राइवर जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं का काम होता है उनको मंजिल तक पहुंचाना। तो क्या लगता है, अगर ये लोग ड्राइविंग छोड़ देंगे तो कोई अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाएगा? तो ये लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने अपनी 29 जो मांगे हैं वो रखी हुई हैं, उनमें से जो मुख्य मांगे हैं इन्होंने हमें बताई हैं। अब देखते हैं सरकार इनकी कहाँ तक सुनती है।